शादी ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी। बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की प्रीशा हराएगी राजस्थान की वान्या को, बस अब थोड़ा सा इंतजार। देखिए अगर सही मायने में देखें तो मीडिया पे लोगों का विश्वास होता है जो हकीकत की तस्वीर नहीं दिखाएंगे। अगर खुशी है गम है जो तस्वीर एजेज दिखानी पड़ती है तो शांता कहा जा सकता है। लेकिन इस वक्त इसे ही समाज के लोग उनसे पूछ लेते हैं कि सर सुना है एंट्री बंद कर दी है, एंट्री क्यों बंद कर दी है? सर जैसा सरकारी निर्देश है कि 100 जनों से ज़्यादा हम इकट्ठा नहीं हो सकते, तो हम लोगों ने गेट पर जैसा आपने देखा एंट्री कर रहे हैं। प्रत्येक मेंबर जो आ रहा है वो अपना नाम एड्रेस फ़ोन नंबर लिख रहा है और हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारी काउंटिंग एग्जैक्ट 100 पहुंच चुकी है। तो अभी जितने लोग आ रहे हैं हम उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आप बाहर वेट करें या वापस अपने स्थानों पर चले जाएं। जैसे ही ये सर्विस खत्म होगी दूसरी आराधना शुरू होगी हम उसमें उनको एंट्री देंगे। तो देखिए एक विजन तो अच्छी बात की जैसे कि बन सिंह आपको तस्वीर चर्च के ऊपर की दिखाते हैं, तब तक हम आपको रजिस्टर चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइन तय की है क्या उसकी पालना हो रही है, क्या 100 से ज्यादा लोग उसमें नहीं है। जरा रजिस्टर भी चेक करना जरूरी है क्योंकि सावधान इसी में। आप देखिए इस वक्त यहाँ पर सैनिटाइजर थर्मल पावर मशीन के अलावा ये देखिए ये सूची है जिसके अंदर जो लोग अलाउ किए गए हैं। अगर कोई प्लस वन है तो पति पत्नी से अंदर भी देखा किस तरह से जो सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो की जा रही है। तो ये एक संदेश है, कोरोना से बचना है बचाना है तो सावधानी जरूरी है। जी विजेंद्र। राजीव बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से वहां से रिपोर्टिंग की और ये बताया कि किस तरीके से वहां पर भी लोग सब सतर्क हैं और बाकायदा वहां पर मोबाइल नंबर तक लिखे हुए हैं कि अगर कुछ होता है तो सबसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। लेकिन मुमकिन है कि बात करके आज के दिन के बारे में वो कुछ बताएं जो लोग नहीं जानते हैं, वो समझ पाए कि मैरी क्रिसमस और आज का दिन क्यों खास है। निश्चित रूप से। लेकिन एक और तस्वीर से पहले सभी भवन सिंह आपको बाहर की दिखा रहे हैं। बाहर वो लोग इंतजार कर रहे हैं जिनका 100 का आंकड़ा पूरा हो चुका है, अब अंदर किसी का एंट्री नहीं है। लेकिन अगर इस त्यौहार की बातचीत अगर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आज के इस त्यौहार का जो महत्व है वो क्या महत्व है, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि आज का जो त्यौहार है सर आज के त्यौहार का महत्व क्या है? आज बड़ा दिन कहते हैं क्रिसमस डे का, आज का क्या महत्व है? आज का सर ऐसा है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया परमेश्वर के इकलौते पुत्र, मनुष्यों के पापों से उनका उद्धार करने के लिए, और उसी की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है हर वर्ष। ना सिर्फ मसीह समाज लेकिन सारे लोग, जैसे आप देख सकते हैं हमारे अन्य भाई बहन जो हैं वो भी हमारे साथ इस खुशी में शरीक होते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मनाने के लिए। तो देखिए कि किस तरीके से इस त्यौहार को मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ चुकी है। आयुषी तस्वीरें जरा दिखाइए कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरीके से क्रिसमस की तैयारियां और प्रार्थनाएं चल रही हैं। विजेंद्र देखिए मैं चांदपोल स्थित चर्च में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर क्रिसमस की तैयारियां बहुत बेहतरीन अंदाज में की गई है। लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं और फादर भी यहाँ पर है, तो सबसे पहले फादर से जानते हैं और जुड़ते हैं उनके साथ कि सर किस तरीके से इस बार क्रिसमस की तैयारियां आपने की है। सबसे पहले हम सेंट एंड्रू चर्च में खड़े हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आवाज को सुन रहे हैं उनको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे देश के सब निवासियों के लिए इस वर्ष का क्रिसमस शुभकामनाएं लाए, आशीष लाए। और हम पिछले 9 महीने से इस जो कोरोना महामारी है इसे जूझ रहे हैं, परेशानियों में से हैं, लेकिन इन सारी परेशानियों में फिर हमें वर्ष के एंड में क्रिसमस की खुशियां मिली हैं और हम चाहते हैं कि लोग इनको खुशियों को महसूस करें और इन खुशियों को मनाएं। और इस वर्ष कोरोना की वजह से जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको पूरे तरीके से सभी कमेटियां फॉलो कर रही हैं और हम कमेटियों के बहुत बहुत धन्यवादी हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से सब जगह पे इनको फॉलो किया जाए। जी सर। और देखिए विजेंद्र आपको बता दूं क्रिसमस जब तक अधूरा है जब तक कैरोल सिंगिंग का मजा ना हो, तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं कुछ लेडीज भी हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैरोल सिंगिंग का एक छोटा सा आप लोगों की तरफ से कुछ सिंगिंग हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी सारे गुनाह हो रहे थे, दुनिया गुनाह में डूब रही थी सारे गुनाह हो रहे
पापियों को बचाने को लाई ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। जी बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं विजेंद्र, वापस आपके पास जुड़ेंगे। ये रवि मेरे सहयोगी उदयपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कौशल जैन मेरे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। आप दोनों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रवि आपके पास मैं आना चाहूंगा और जरा बताइए वहाँ किस तरीके से चर्च को सजाया गया है, किस तरीके की तैयारियां की गई है और बीते साल के मुकाबले इस बार क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो चर्च है शेफर्ड मेमोरियल चर्च राजस्थान के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। मैं फिलहाल यहीं पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है क्योंकि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में प्रार्थना सभाएं पूरे दिन भर में 4 आयोजित की जाएंगी। इन हर प्रार्थना सभाओं में 100-100 लोगों को एंट्री दी गई है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बैठने का प्रबंध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी प्रार्थना सभाओं में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से स्क्रीन्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं चर्च के बाहर ताकि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चर्च में एक साथ में बहुत ज़्यादा भीड़ अंदर जो है वो एकत्र ना हो। 4 दिन भर में प्रार्थना सभाएँ होंगी। 1-1 घंटे की जो प्रार्थना सभाएँ हैं उनमें आधे आधे घंटे का गैप इसीलिए रखा गया है ताकि जो लोग पहली प्रार्थना सभा में आए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बाहर निकल सके। सजावट जो है मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सजावट की गई है। विशेष जो प्रार्थना सभाएं हैं वो फिलहाल अंदर चर्च में जो है वो चल रही हैं। ये नज़ारा जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से चर्च को सजाया गया है। लेकिन ब्रजेंद्र सबसे बड़ी बात, चूँकि पूरी दुनिया में कोविड-19 की जो महामारी है उसका दौर है तो ऐसे में क्रिसमस जो है थोड़ा सा उल्लास कम जरूर है लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि जो फीलिंग्स हैं वो बरकरार रहें। वही की वही संख्या में चूंकि बहुत कम लोगों को एंट्री दी गई और मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से जो ईसाई समुदाय के जो श्रद्धालु हैं जो मानने वाले हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में इन प्रार्थना सभाओं में शामिल हो रहे हैं। और दिन भर में इसी तरीके से प्रार्थना सभाएं होंगी जिनमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, देखिए कल जब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी चूँकि नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है तो ऐसे में जो विशेष प्रार्थना सभाएं मिडनाइट सर्विस जो है वो तमाम चीज़ें कैंसिल रखी गई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ जो ये जो मसीही समुदाय के लोग हैं और जो तमाम लोग हैं वो देश में अमन और शांति के अलावा भगवान प्रभु यीशु से कामना कर रहे हैं कि कोविड-19 जैसी जो महामारी है फिर से इस दुनिया में ना आए और क्रिसमस जैसे जो त्यौहार है वो पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। बिल्कुल रवि, वापस आपके पास लौटेंगे। कौशल का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अजमेर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, वैसे ही अजमेर धार्मिक सद्भावना की मिसाल पेश करता है, ऐसे में क्रिसमस को लेकर क्या तैयारियां? देखिए विजेंद्र, अभी आपने जो कहा कि हैप्पी क्रिसमस, तो सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को कहूंगा मैं हैप्पी क्रिसमस। देखिए कोरोना का काल है और इस दौरान जितने भी त्योहार हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी को प्रभावित किया है कोरोना ने। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक घर के अंदर है जहाँ पर जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि प्रार्थना सभाएं चर्च में सुबह हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग मास्किंग के साथ सभी कुछ किए गए और जो घरों के अंदर ये आयोजन हो रहे हैं यहाँ पर भी धर्म गुरु जो हैं यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। देखिए ये घर के सदस्य है कैरल सिंगिंग कर रहे हैं, प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं क्योंकि वो आज आए थे दुनिया का कल्याण करने के लिए। हम यहाँ पर खड़े धर्म गुरु फादर कॉस्मोस शिकावा से बात करेंगे और पूछेंगे किस तरह से मनाएगा फादर का क्रिसमस कोरोना को देखते हुए। आज जो क्रिसमस है सभी ईसाई भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिवस हम मनाते हैं। लेकिन कोरोना के कारण बहुत चीज़ों में हमने कटौती करनी पड़ी और संख्या में कटौती करनी पड़ी, समय को बदलना पड़ा। अधिकतर हम रात्रि 11:30 बजे पूजा पाठ करते थे जो उसमें बहुत बड़ा आनंद होता था और सही समय होता था कि 11:30 बजे करते करते हम 25 तारीख तक पहुँच जाते थे, लेकिन कोविड के कारण वो सब नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से 6 बजे की प्रार्थना हुई, सुबह 8 बजे की प्रार्थना हुई और मैक्सिमम लोगों ने उसमें भाग लिया।
इस कोविड के समय हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। आज भी हम जो गौशाला हमने बनाया है, गौशाला के अंदर भी जो भी वो प्रभु यीशु हैं और जो मूर्तियाँ हैं, उन सबों को भी हमने मास्क पहनाया है, पहन कर लगा कर रखा है, ताकि दिखाने के लिए कि त्यौहार तो मनाना ही है, लेकिन त्यौहार के साथ साथ जो गाइडलाइंस है उसका भी ध्यान रखना है। मैं सभी को आज की इसकी बड़े दिन की क्रिसमस की शुभकामना अर्पित करता हूँ और आने वाले वर्ष सभी के लिए सुखद हो इसी कामना करता हूँ।